घर, बल्कि कहीं जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बस आपकी ही सुबह बखैर हो, मेरा कोई हाल नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बैग मेरी पीठ पे और मैं जा रहा हूँ दरिया खान। दरिया खान क्यों जा रहा हूँ वो वहाँ जा कर बताऊँगा। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है व्लॉग बनाने का, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ, बनाना पड़ता है। एक रूटीन सी जहन में आ गई है। अब परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है मुझे, तो चलो परेशानी आपको ना पंप बाजार ही बताऊँगा। टेंशन में हूँ कि बता नहीं सकता। यहाँ एक दोस्त के पास आया तो यहाँ नाल पर ना मुँह धोता हूँ। मुँह पहले ही धोया है, लेकिन अब ना सुस्ती सी महसूस हो रही है, तो ये चला दिया। टेंशन पता नहीं यार, सुबह से ना बड़ी टेंशन बन चुकी है, दो प्रॉब्लम बन चुकी हैं। ऑफिस पहुँचा हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत काम था, चलो काम कर लूँ फिर आपको बताऊँगा कि कौन सा काम था। ये हजरात भी मेरे साथ हैं, हजरत साहब भी, और बस ऑफिस में वेट कर रहा हूँ, सर आ रहे हैं, फिर बस काम करके बताऊँगा कि क्या काम है और क्यों मैं परेशान हूँ। तो सर मिल गए हैं, अब ना यहाँ करते हैं छुट्टी, बैग वगैरह को बंद करते हैं, माउस देखूँ इसको ना बंद करते हैं, करते हैं छुट्टी, क्योंकि अब चलना है घर। तो किसी होटल पे बैठ कर आपको बताऊंगा कि मसला क्या है, इशू क्या था। बस अब ना इशू कुछ हल हो चुका है, चलते हैं घर, बल्कि कहीं जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी। टाइम हो रहा है करीबन एक, तो यहाँ पर से पंखे को करते हैं बंद, वो अब बंद हो चुका, तो अब चलते हैं घर। तो अभी यहाँ होटल पे आ गया, यहाँ ना बैग लेके, तो कुछ खाते पीते हैं, आपको बताया कि भूख से ना मेरा बुरा हाल है, तो यहाँ आ गया। आज रोटी वगैरह नहीं खाई क्योंकि मूड नहीं था, तो अपने नवाई अड्डा नारशा पे आ गया। यहाँ ना कुछ समोसे वगैरह खाते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, टेस्ट इनका बड़ा ही अच्छा होता है। और टाइम हो रहा है दो का, तो आप टाइम भी देख लें और खाना भी देख लें। तो परेशानी ये थी कि मेरी ना वेबसाइट का मसला बन गया था, उसका ना स्पैम स्कोर बढ़ गया था। स्पैम स्कोर, जो लोग वेबसाइट्स को जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि स्पैम स्कोर क्या होता है। तो वो इनक्रीज़ कराने, वो सेट कराने के लिए दफ्तर गया था, लेकिन सर ने क्या कहा है वो आपको घर जाकर बताऊंगा कि सर ने क्या कहा है, ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो ये उन्होंने ना समोसे पेश कर दिए, थोड़े इस्तेमाल कर लो यहाँ से, तो थोड़े से ना प्याज वगैरह यहाँ से, अगर आप लोगों ने खाना है तो आ जाए। तो यहाँ समोसे वगैरह खा लिए, तो अब ना बिल पे करते हैं। पहुँचाऊँ, असल में मसला ये हो गया था कि हमारे पास ना जो मेरी अपनी वेबसाइट है ना, उसके बैक लिंक्स लगाने पड़ते हैं। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको तो पता है बैक लिंक्स क्या होते हैं। बैक लिंक्स वो होते हैं, जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है ना, वेबसाइट को ग्रो करने के लिए बैक लिंक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ना उसको प्रमोशन करते हैं, ऊपर लेकर आते हैं। तो हमने ना फ्री वाले लगा दिए थे, वो बिल्कुल फ्री थे, लेकिन ना उन्होंने नुकसान दिया है, वो ना जैसे दवाई रिएक्ट कर जाती, तो उन्होंने ना रिएक्ट किया और हमारा ना जो वायरस स्कोर है, स्पैम स्कोर ना, वो बढ़ गया। तो सर ने फिर मामे गूगल को रिक्वेस्ट भेजी कि प्लीज़ इन दो लिंक्स को ना आप हटा दिया जाए, उन दो लिंक की वजह से ना स्पैम स्कोर बढ़ गया। तो अभी कहा है कि मामा गूगल आप प्लीज़ इसको हटा दें, तो उसने रिक्वेस्ट भेज दी है हमने, फिर वो एक्सेप्ट करता है या नहीं उसकी मर्ज़ी, दुआ करें कि वो एक्सेप्ट कर ले, फिर इंशाल्लाह दो तीन। अच्छा एक बात और करनी थी कि जब घर में ना कोई बड़ा ना हो ना, तो ऐसा फील होता है कि घर ना वीरान से पड़ा है। अबू को कम से कम 6 दिन हो गए, शायद मैंने आपको व्लॉग्स में पहले बताया कि वो कराची गए हुए हैं, और 6-7 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं। तो घर ऐसा लगता है मुझे कि वीरान सा लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ऐसे ना मैं उनको कॉल करके कहता भी रहता हूँ कि यार
घर का वापस आओगे, तो वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह जुम्मे को वापस, अगर ज़िंदगी रह गई तो वापस आ जाऊंगा। तो घर ऐसे ना मुझे वीरान वीरान सा लगता है। चलो अल्लाह पाक उनका साया ना हमारे सर पर कायम रखे और उनके साय के साथ भी हमारे रौनकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।